हो गया ये। अब अगली कौन है, मेटा मैरिज। आ जाइए मेटा मैरिज, इसके एग्जाम्पल आप लोग कर लेना एक्सरसाइज, ठीक है। हम देते हैं आपको एक्सरसाइज, दो चार करिएगा, ठीक है। तो 5 कार्बन एल्कोहल्स, 5 कार्बन एल्कोहल्स, का आपको फंक्शनल आइसोमर बनाना है। बना लोगे, बन जाएगा ना, बड़ा सिंपल है। लो एक हम बता देते हैं, 1 2 3 4 5 और ए एल्कोहल्स। अब यहाँ क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ईथर आपको कैसा बनाना है, मैथिल ब्यूटिल बनाना है कि कैसा, तो आपको पता है 5 कार्बन लगाने में, तो कैसे भी लगा दो, एक साइड कहीं एक लगा दो, एक साइड 4 लगा दो, एक साइड 2 लगा दो, एक साइड 3 लगा दो, जो भी आपकी इच्छा करे। तो ये हो गया इसका फंक्शनल आइसोमर, बन जाएगा ना, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, फोर कार्बन में CHO ग्रुप का फंक्शनल आइसोमर बनाइए, कौन बनाओगे? कीटोन बनाएंगे, बन जाएगा। टू थ्री डाई मिथाइल, टू थ्री डाई मिथाइल फिनॉल का फंक्शनल आइसोमर बनाइए, बनेगा, बन जाएगा। फिनॉल का फंक्शनल आइसोमर बना दोगे, बड़ा सिंपल है, ट्राई करिएगा। ए लो इतना सा तो है, एक सेकंड का था जी। फिनॉल और इसके 2 पे 3 पे क्या डाई मिथाइल, कितने कार्बन दिख रहे हैं साइड में, 2। तो जब आप इसका फंक्शनल आइसोमर क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल, तो कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे, 2। ये बन गया, इतना सा तो था। चलिए ठीक है, इतने कर लीजिएगा आप लोग। बोलने में वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये कठिन, बिल्कुल सरल होता है। जितने कार्बन साइड में है उतने ही लगा दो ऊपर, एरोमेटिक है। पता वैसे होना चाहिए कि इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा इसका। 1 2 3 CHO, 1 2 बन गया इसका। लो होमवर्क खत्म, तुम कहीं से थे कि तुम्हारे अपना दिमाग चलाओ, तो तुम्हारे अपनी ट्रिक लगा दी, सारी करा दी सब। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किसका फंक्शन आइसोमर से, अगर आपको इतना पता है तो आप क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर जाओगे। अब आपको पता याद रखना पड़ेगा कि किसका फंक्शन आइसोमर से क्या होता है। हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन तुम्हारे लाने छोड़ दी, लगा दिया, तुम भूला मत करो। चलिए नेक्स्ट कौन थी, मेटा मैरिज। चलिए मेटा मैरिज, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कार्बन ग्रुप या कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड मेटामर्ज फिनॉमेना। ए से उसी में पाई जाएगी जिसमें नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, बीच में, है ना।
नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में है ना, तो फंक्शनल ग्रुप बीच में होगा। तो एग्जाम्पल जैसे हम नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लिख लें अपने, तो देखिए नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल मतलब जिसमें कोने में पाया जाता है, जैसे एल्डिहाइड, कार्बोजिलिक एसिड, साइनाइड, ये टर्मिनल होते हैं। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका कीटोन, ईथर, ईस्टर है ना, थायो एल्कोहल, थायो ईथर है ना, तो कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, थायो एल्कोहल हो गया, थायो एल्कोहल हो गया है ना, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, जी बच्चों आपके नॉन टर्मिनल एल्कोहल नहीं बेटा, ये तो गलत लिख गया है, एल्कोहल थायो ईथर ईथर, कीटोन ईथर थायो ईथर एल्कोहल है, एल्कोहल तो साइड में है, गलत है वो, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एमाइन हो गई, एमाइंस भी आ जाएंगे इसमें, एमाइंस, अब एमाइंस फंक्शनल में भी आ जाएगी और इसमें दोनों में आ जाएगी, तो एमाइंस वन डिग्री, टू डिग्री, साइनाइड नहीं आया बेटा, वो टर्मिनल में आ गया, वो हमेशा कोने में होता है, कीटोन ईथर थायो ईथर ईस्टर एमाइंस, ऐसे नहीं है। करते हैं अब एग्जाम्पल्स इसके, ये ऐसे आपके हिंट के लिए लिखते हैं कि आपको याद रहे, बाकी तो वैसे आप क्या है, आप उड़ाते चले जाओ आप लोग। हेलो जी, बनाया हमने, देखो पहले इसको देखो, क्या इसके डिफरेंट मेटामर्स बना सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि हम दोनों तब कार्बन एटम के नंबर चेंज नहीं कर सकते, फंक्शनल ग्रुप के नहीं कर सकते ना, क्या इसके मेटामर्स बना सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि हम जो दूसरा भी बनाएंगे वो भी यही बनेगा, हम कार्बन एटम के नंबर थोड़ी चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा बना दें 1, 2, C, 1, 2, तो वही तो हुआ, दोनों सेम ही तो है, सर इसके भी मेटामर्स नहीं बना सकते, लेकिन इसके बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, 3 और 1 और 2 और 2 है ना, तो ये आप अपना कॉमन सेंस है, हम कहाँ से मेटामर्स बना सकते हैं, ठीक है जी। मेटामर्स बोले दोनों तरफ कार्बन के नंबर अलग अलग हो रही, ठीक है चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि अगर हम कीटोन का एग्जाम्पल लें आपके सामने, कीटोन, तो 1, 2, 1, 2 पेंटेन थ्रियोन, 1 एंड पेंटेन 2 ऑन, इसका एग्जाम्पल हो गया मेटामर्स का। मेटामर्स का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जब कार्बन एटम के नंबर एल्काइल ग्रुप अलग अलग आने लगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ एथिल है और इस तरफ मैथिल और प्रोपिल है, या इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के नंबर दो दो है, इसमें एक तरफ एक है, एक तरफ तीन, अब इससे ज़्यादा दो हम बना ही सकते, बन सकता है, इससे ज़्यादा भी बन सकता है, बता रहे हैं कैसे, अभी और पॉसिबिलिटी है, एक और बन सकता है, देखिए C C डबल बॉन्ड O C, कार्बन के नंबर तो अलग नहीं हुए लेकिन एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया इस बार, तो एल्काइल देखो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ लिख लो, कंपाउंड सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, और उसी में जो स्लैश करके लिख लो, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और एल्काइल ग्रुप, नहीं वही करो, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और करके लिख लो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, या तो एटम्स के नंबर डिफरेंट हो जाए या एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए है ना, तो भी वो मेटामर्स की कैटेगरी में ही आएगा। अब देख लें इसका नाम क्या है, डाईएथिल कीटोन,
इसका मैथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोल, इसका मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, है ना। तो ये मेटामर्स कहलाएंगे। अब इसमें और इसमें कार्बन के नंबर तो डिफरेंस नहीं आए, लेकिन एल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ गया, तो ये मेटामर्स कहलाएंगे, है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकते इसके मेटामर्स, फाइनल और कोई नहीं बन सकता इसका। तो ये कीटोन के हो गए। अब चलिए बनाइए आप लोग, अब आप लोग बनाइए ईथर के मेटामर्स बनाइए। तो 1, 2 बनाइए इसके मेटामर्स, जितने आप बना सकते हो। हाइड्रोजन लगा लेना आप लोग अपने मन से, है ना। कितने बन गए बताओ, कितने बने? 3 बने। काय हमारे तो 2 ही बन रहे। वही तो, तुम भी शिक्षक क्यों, जैसे आपने इसमें किया इसमें नहीं कर सकते। कर तो सके लेकिन हमारा दिमाग नहीं चल रहा होते तक तो हम क्या कर लें। नहीं चल, हाँ हमें भी आ गई ध्यान, एक ऐसे वालों भी तो बन सकते। थैंक यू सच। देख लो तिसला कच्चो सीखो भैया। कार्बन अलग अलग करने हैं, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के नंबर अलग अलग करने हैं। इस तरफ का दोनों तरफ क्या है, 2-2 कार्बन, इस तरफ 1 और एक बार 3। या फिर एल्काइल ग्रुप का रूप चेंज कर दो, यहाँ नॉर्मल प्रोपिल और यहाँ आइसोप्रोपिल, मतलब या तो नहीं फंक्शनल ग्रुप थोड़ी चेंज करना है। देखो क्या लिखा है उसमें, कंपाउंड सेम इन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड मेटामर्स और फिनोमिना मेटामर्स। सिंपल सा है कि आपको दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के एटम अलग करने, अगर कार्बन के नंबर अलग नहीं कर पा रहे तो कम से कम एल्काइल ग्रुप का रूप चेंज कर दो, तो वो किस में आ जाएगा, मेटामर्स में आ जाएगा। इसी प्रकार थायो ईथर का बना दूँ, 1, 2, 1, 2 वही वाला हो गया, 1 ओ की जगह बस ऐसा आ गया थायो ईथर के बन गया। डाईएथिल थायो ईथर, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल थायो ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल थायो ईथर, सबके नाम देखेंगे लिखे हम। बस उसमें ईथर बोलते हैं, इसमें थायो ईथर बोलते हैं, खत्म बात। डाईएथिल थायो ईथर, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल थायो ईथर अल्फाबेटिकल MNOP, मेथिल आइसोप्रोपिल थायो ईथर। अभी तो 3 ही बन सकते हैं ना, कार्बन ले लो नहीं, मतलब कीटोन, ईथर, थायो ईथर, और भी तो लिखवाए, चेक करो ईस्टर MI लिखवाए ना, ईस्टर MI। चलो अभी ईस्टर करते हैं, ठीक है। ये थायो ईथर हो गया, थायो ईथर, इसके पहले ईथर था, अब करते हैं ईस्टर। आइसक्रीम ईस्टर, हमारा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। CCCOO सी ई में तो ना बन पाए, ई में बन जाए, एक और काफ़ी बढ़ा दे तो 3 फॉर्म बन जाए, एक और बढ़ाते रहे 3 फॉर्म बन जाए, 1, 2 एक साइड एक कर दो, 1, 2, 1, 2, 3 मैं तो कुल फॉर्म बन जाने। अब और कौन सा बन सकता था, 1, 2, COOCCC जो बन जाने।
आइसोप्रोपिल प्रोपेनोएट, यही नाम होगा इसका, पहले वाले का नॉर्मल प्रोपिल प्रोपेनोएट, इस वाले का नॉर्मल ब्यूटिल एथेनोएट। वो भी बना ले, इस वाले को क्या बोलते हैं एल्किल, इस वाले को क्या बोलते हैं एल्केन, ई हटा के ओएट।